हेलो एवरीवन, तो आप लोग अभी सर्च कर रहे हैं कि दिल्ली पॉलिटेक्निक का सबसे बेस्ट कोचिंग कौन सा है जहां पे हमें सिलेक्शन मिल जाए। तो मैंने इसलिए टाइटल ही बनाया है कि दिल्ली पॉलिटेक्निक आखिर मॉड्यूलेशन सीट बेस्ट क्यों है। आपने बहुत सारा क्लासेस देखा होगा, अभी आपने यूट्यूब पे भी बहुत सारे क्लासेस देखे होंगे, आपने मेरा भी क्लासेस देखा होगा, डिफरेंस पता चल गया होगा कि क्या है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा अपना फीचर बताता हूँ, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता चले कि क्यों मॉड्यूलेशन बेस्ट है और क्या ऐसा तैयारी होगा यहाँ पे कि आपको सिलेक्शन 100% मिलेगा। ओके, तो अगर हम अगर मॉड्यूलेशन के फीचर्स की बात करें कि सबसे पहले इसका फीचर्स क्या है, तो सबसे पहले जो यहाँ पे जो जितने भी टीचर्स है, अगर आप टीचर्स की बात कीजिएगा तो यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं सारे क्वालिफाइड टीचर्स हैं। मैक्सिमम टीचर्स आपको जो ऑलरेडी इंजीनियर्स हैं वही आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो ऑलरेडी आप कैच कर चुके हैं। तो ये सब एग्ज़ाम को ऐसे डिप्लोमा तो एंट्रेंस इनके लिए तो कुछ है ही नहीं, जो भी है तो इस फील्ड में ऑलरेडी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। दूसरा, जो मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट है पिछले 8 साल से CET की क्लास देती है, मतलब हम पिछले 8 साल से CET के लिए कोर्स देते हैं। आपका लास्ट टाइम से 2021 से सिलेबस चेंज हो गया, अदर पहले ऑफलाइन एग्जाम होता था, अब ऑनलाइन होने लगा है। तो अब और कोविड के बाद से आपका क्लासेस भी ऑनलाइन होने लगा है, इसलिए हम इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं थे, अदरवाइज ऑफलाइन क्लासेस 2014 से चलती है। ओके, तो ऑलरेडी हमें इस फील्ड में 8 साल का एक्सपीरियंस भी है। आपको 90% सिलेक्शन रेट है, अगर आप कोचिंग की बात कीजिएगा तो सिलेक्शन रेट 90% है, मतलब जो मैक्सिमम स्टूडेंट का सिलेक्शन किसी न किसी डिप्लोमा कॉलेज में हो ही जाता है। ओके, अगर आप अच्छे से पढ़िएगा तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। ऐसा कोई ज़्यादा टफ सिलेबस नहीं है, पैटर्न चेंज हुआ है लेकिन ऐसा नहीं कि टफ है, और सिंपल है कि जो सीट निकला है 12,000 सीट, जो भी सीट वैकेंट जो कॉलेज में होंगे उसमें कोई ना कोई तो जाएगा, और आप ही के आस सारे फ्रेंड जाएंगे या आप जाएंगे, तो सिंपल है सबके लिए एग्ज़ाम उतना ही टफ होता है उतना ही आसान होता है। ओके, तीसरा कि जो हमारा क्लास मोड है, जो हम क्लास देते हैं वो आपको ऑनलाइन लाइव क्लास होगा, ठीक है, लाइव क्लास होगा मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन पे। आपको ऑफलाइन क्लास भी अवेलेबल है लक्ष्मी नगर सेंटर पे, ऑफलाइन जो क्लास है दिल्ली के लक्ष्मी नगर सेंटर पे है, ऑनलाइन क्लास आप कहीं से भी हैं तो आप ले सकते हैं। रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल होगा, अगर आप लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाते हैं तो आपके लिए रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल रहेगा, आप वहाँ भी डाउट पूछ सकते हैं रिकॉर्डेड सेशन के अंदर भी। ओके, इसके साथ साथ आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा, क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन है तो आपको टेस्ट ऑनलाइन देखना पड़ेगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पे एग्जाम भी आपको ऑनलाइन टेस्ट मोड में आपको टेस्ट चाहे आइदर जो इसे स्टूडेंट ही हैं, जो क्लास के स्टूडेंट हैं आइदर ऑफलाइन ऑनलाइन के, उनको भी टेस्ट का प्लेटफॉर्म दिया जाएगा और उनका भी आइदर प्रैक्टिस सेट हो या जो भी हो वो सारा आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, अब अगर हमारे स्टूडेंट्स जो प्लेस्ड है, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, जितने भी जो स्टूडेंट प्लेस्ड स्टूडेंट है, अगर उसकी बात करूँ जो हमारे प्लेस्ड स्टूडेंट हैं, मतलब जिनका किसी न किसी कंपनी में सिलेक्शन हो चुका है, तो आप देखिएगा मैं तो बहुत कम कंपनी का नाम लिख रखा हूँ, अदरवाइज अब बहुत सारे कंपनी है, जैसे ये है मारुति है, हीरो का नाम आपने सुना होगा, टाटा का नाम सुना है, होंडा का नाम सुना है। ओके, ये दिल्ली मेट्रो में बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे स्टूडेंट वर्किंग है जो यहाँ से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, लखनऊ मेट्रो है, नोएडा मेट्रो है, PWD आपने नाम सुना होगा, दिल्ली में PWD है, CPWD है, ONGC है, बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसरो है, PSU है, बहुत सारे इस तरह के कंपनी है, जो भी कंपनी जो JEE को लेते हैं, तो लगभग लगभग कंपनी में, क्योंकि हमारे लगभग 10,000 से ऊपर स्टूडेंट है जो हमारे साथ पढ़ चुके हैं जो इस फील्ड में, तो इसलिए अगर आप भी उसका पार्ट बनना चाहते हैं तो यू आर वेलकम इन मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट, आप आइए। और मैं गारंटेड बोल सकता हूँ कि अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन फिक्स है, किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन मैं करवा दूंगा आपको, मतलब एडमिशन होना एकदम गारंटेड है कि कहीं ना कहीं होगा डिप्लोमा में। बाकी ये कुछ इमेजेज है जैसे किस तरह के, जैसे ये लैब हो रहा है, ये क्लास हो रहा है कि किस तरह से क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, ये भी लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है, ये एक इंजीनियरिंग सेक्टर है। चूँकि आप लोग 10th के स्टूडेंट हैं नहीं पता होगा कि डिप्लोमा एक बहुत बड़ा सेक्टर है, इंजीनियरिंग सेक्टर है, आप इस फील्ड में जाते हैं तो एक फ्यूचर स्कोप बहुत बड़ा स्कोप बन जाता है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है कि क्या है इसका फ्यूचर स्कोप। ओके, बाकी अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना, तो ये वेबसाइट है www.modulation.it, इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। नीचे यह नंबर है, ये दोनों नंबर में से 9015781999, मैं नंबर फिर से लिख देता हूँ 9015781999। डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक भी गिवन है, आप वहाँ से जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वहाँ पे ऐप पे वीडियो क्लास है जो बैच में आपको वहाँ ज्वाइन करवा दिया जाएगा, आप ऐप में वहाँ पे जाए तो चैट में जाके, चैट बॉक्स में जाके चैट भी कर सकते हैं मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट के ऐप में। और बाकी
नीचे इंक्वायरी फॉर्म का भी नंबर है, आप वहाँ पे जाके कॉल करके इस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। जो भी डाउट है आपका, कब से बैचेज स्टार्ट हो रही है, ऐसे बैच एक से ही लॉन्च हो रही है, एक से मतलब एडमिशन स्टार्ट है, तो आप चाहे तो उस बैच में ज्वाइन करके, क्योंकि जितना जल्दी स्टार्ट कीजिएगा उतना जल्दी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाइएगा। सिलेबस चेंज हो चुका है तो इसलिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ओके, तो जो भी लोग आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कोशिश कीजिए कि अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं या आपके कोई आसपास 10th के स्टूडेंट हैं जो नहीं जानते हैं डिप्लोमा के बारे में, तो उनको बताइए कि क्या होता है डिप्लोमा इंजीनियरिंग, ताकि उनको समझ में आए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग क्या है। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।